गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज। भारत की खोज में हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे थे, यहाँ से लास्ट लाइन से हमको पढ़ना था। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अपने मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था और कभी कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई। अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ की ही खोद दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर भवें चढ़ाई पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा कर दी। तिलक और गोखले नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई, अंडरलाइन कीजिए, नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्यम वर्गीय विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन उनके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। और इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उसके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियाँ सामने आ रही थी। तो ये जो कांग्रेस दल था, इसकी स्थापना 1885 में हुई और इसकी स्थापना AO ह्यूम ने की थी। 1885 में AO ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद काफ़ी कुछ दिन चला और फिर उसके बाद उसमें भी द्वंद्व होने लगा और द्वंद्व होने के बाद जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हुआ, एक गरम दल और एक नरम दल के रूप में विभाजन हुआ। गरम दल के जो नेता थे वो लाल बाल और पाल थे और नरम दल के नेता महात्मा गांधी और आदि नेता थे, जिनका ये मानना था कि शांति से सत्य से और शांतिपूर्वक जो है अहिंसा के द्वारा अपना स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो गरम दल के नेता थे वे ये मानते थे कि अंग्रेज जो है हमें शांतिपूर्वक कभी भी स्वराज्य वापस नहीं करेंगे, इसलिए हमें युद्ध के बदले युद्ध करना चाहिए, ऐसा मानते थे। इसलिए जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया, उधर गरम दल और नरम दल। तो गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी किसके नेता कहलाए? नरम दल के कहलाए। और गरम दल के नेता जो है लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है इसके नेता कहलाए, गरम दल के नेता कहलाए। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया है उसे डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा।